तो भाई लोग विट्रो महादेव जी के दर्शन करने के बाद मेरा जो अगला जो टारगेट था गाइस वो है यहाँ ही पर, यानी कि अरकी में ही मुट्रू महादेव जी का मंदिर है। तरफ निकल चुका हूँ गाइस, और दर्शन तो आप सभी को जो है लुटरू महादेव जी की बहुत अच्छे से होंगे लास्ट वीडियो में। और आज जो ये वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आ रहा हूँ ये है मुटरू महादेव जी का, और अर्की में ही बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मंदिर है। और वीडियोस हमेशा मैं देखता रहा हूँ यहाँ के, और आज पहली बार मौका मिला मुझे यहाँ आने का, तो अच्छे से दर्शन मैंने किए, और उम्मीद है मुझे जो मैं अब आगे जा रहा हूँ वहाँ भी दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। तो आगे अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं किस पॉइंट पर है, बट हाँ आगे जाकर मार्केट में किसी ना किसी से पूछा जाएगा कि आखिर जो मुटरू महादेव जी का मंदिर है वो किस डायरेक्शन में है, किस तरफ को है। तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहिएगा, और चलते हैं अब आप सभी को लेकर मुटरू महादेव मंदिर की तरफ, ठीक है। तो गाइज मैंने अभी भाई साहब से पूछा और उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि हमें किस तरीके से जो है मुटरू महादेव जी का सफर तय करना है। तो बस अब निकल पड़ा हूँ आगे, और मार्केट से नीचे को जाने के लिए वो कह रहे हैं। जैसे ही मुझे रोड दिखता है मैं वो ज़रूर देखूंगा कि कहाँ है। मुझे लग रहा है एक पॉइंट वो यहाँ पर भी आता है जहाँ से वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो चक्की वाली छेड़े हुए हैं भाई। अच्छा जी, सर जी मुटरू महादेव जी का मंदिर। हाँ जी, हाँ जी, मुटरू महादेव मुटरू जी मुटरू लुटरू तो न जाया। अच्छा जी जी ठीक है, थैंक यू सर। मैं सोलन से हूँ सर, पर पहली बार आया हूँ यहाँ पर। हाँ, तो अब सफर जारी है, हमारा अगला डेस्टिनेशन है मुटरू महादेव। तो बस अब देखते हैं कि कितना मुझे सफर तय करना पड़ता है, वो अब जाकर लगेगा पता। ठीक है मेरे भाई, तो बस बने रहिएगा वीडियो के साथ, और मैं आप सभी को लेकर चल रहा हूँ अर्की के मुटरू महादेव मंदिर में। सर जी मंदिर के लिए रास्ता मुटरू महादेव। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो गाइस पूछते हुए इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं भटक जाऊँ रास्ता, और फिर क्योंकि टाइम 4 ऑलरेडी मुझे बज चुके हैं। चौक आ गया, चौक से आपने जाना है ऐसा कुछ। ऐसा ही रहा, वहाँ पर है महादेव जी का मंदिर। वैसे मंदिर यही है ना, तो मित्रों मंदिर की अगर बात करूं मंदिर के पास मैं पहुंच चुका हूं। तो गाइज फाइनली मंदिर के प्रांगण में हम लोग पहुंच चुके हैं, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन सभी को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के अर्की में है, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये है अर्की का मुटरू महादेव मंदिर। और वहाँ पर आप सभी को विशेष जो शिवलिंग है उसके मैं दर्शन भी करवाऊंगा, परंतु उससे पहले यहाँ पर जो ऊपर एक शिवलिंग अलग से एक छोटा मंदिर बनाया गया है वहाँ पर भी आप सभी शिवलिंग के दर्शन कीजिए, बोले हर हर महादेव। और उसके बिल्कुल साथ में जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये है वो कुटिया, मैं कहूँगा इसको, क्योंकि यहाँ पर जो भी साधु महात्मा हैं वो सभी इस कुटिया में रहते हैं, और उसके बिल्कुल साथ यानी कि शिवलिंग का जो शिव भोले का जो मंदिर है उसके साथ है यहाँ पर ये शनिदेव महाराज जी का भी मंदिर। तो आप लोग यहाँ पर जब भी आएंगे तो आप सभी यहाँ पर भी भोले शंकर के साथ साथ शनिदेव महाराज जी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो बोलिए जय शनिदेव महाराज, दर्शन आप सभी भी शनिदेव महाराज के कीजिए। और उसके बाद में अब आप सभी को लेकर चलूंगा मुटरू महादेव के उस मेन मंदिर में, जो कि नीचे सीढ़ियां उतर कर नीचे की तरफ जाना होता है। तो अब चलते हैं और करते हैं मुटरू महादेव के मेन जो मंदिर है उनके दर्शन। तो बने रहेगा वीडियो के साथ क्योंकि अब आप सभी को दर्शन करवाने वाला हूं उस विशेष मंदिर में।
तो गाइस फाइनली मुटर महादेव का जो मेन मंदिर है या विशेष मंदिर है मैं उसके पास पहुंच चुका हूं और उसके बिल्कुल बाहर है यहां पर एक अलग से एक शिवलिंग भी बनाया गया है जिनके आप सभी भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद मैं आप सभी को कराऊंगा उस विशेष शिवलिंग के दर्शन जिसके लिए मुटर महादेव मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए गाइस और करते हैं उस विशेष शिवलिंग के दर्शन। तो बने रहेगा वीडियो के साथ क्योंकि अब वो मुटरो महादेव जी के विशेष शिवलिंग के दर्शन हम लोग करने वाले हैं। तो गाइस इस मंदिर की अगर बात करूं तो यहाँ पर होता है काफ़ी ज़्यादा पानी जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को अच्छे से दर्शन करवा सकूं। तो सबसे पहले आप सभी दर्शन कीजिए नंदी महाराज जी के, जय नंदी महाराज जी के। और उसके बाद बिल्कुल ये जो नंदी महाराज जी के सामने है ये है वो विशेष शिवलिंग जिसके मैं आप सभी को अब दर्शन करवाऊँगा। तो गाइज़ फाइनली आप सभी भी दर्शन कीजिए इस विशेष शिवलिंग के। और इसकी खासियत ये है गाइज़ कि यहाँ पर जो ऊपर इसकी जो छत है, छत बोलूँ या फिर बोलूँ कि जो पेड़ों की जड़ों के थ्रू जो पानी आता है वो हमेशा इस शिवलिंग पर गिरता रहता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे से अलग से शिवलिंग भी आप सभी को देखने को मिलेंगे और ये सभी प्राकृतिक है, किसी तरह की बनावट नहीं है गाइज़। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। हाँ, लाइट की कमी है और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को अच्छे से इस जगह के दर्शन करवा सकूं। और बोलिए हर हर महादेव। पर ये जल प्राकृतिक जल है जो आ रहा है और ये कैलाश मानसरोवर दर्शन अगर आप सभी वीडियो में अच्छे देख पा रहे हैं तो किस तरह का अंदर का नज़ारा है वो मैं आप सभी को वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये दर्शकों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ये कैलाश मानसरोवर के नाम से है और मतलब आप जो यहाँ पर दृश्य देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है और कुछ अलग ही तरह का नज़ारा है इसके अंदर का। जैसे कि आप सभी ऊपर छत की तरफ देख सकते हैं तो कुछ अलग तरह की आकृति जमी हुई है और नीचे भी गए जहाँ पर ये सारा जल संक्षेप हो रहा है सामने भी आप सभी देख सकते हैं कुछ अलग सा ही रूप प्राकृतिक रूप इसको मिल चुका है। हालांकि ये किसी वृक्ष की जड़ें मुझे जो समझ आ रही है और ये सामने है शिवलिंग यहाँ पर भी है जिस रूप में आप सभी यहाँ पर भी है दिखने को मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा ये मतलब प्यारा अद्भुत सा नज़ारा है जैसा कि आप सभी वीडियो में देख ही सकते हैं कुछ अलग ही नज़ारा। तो ये देखे पहला ये हो गया और ऊपर एक भू नज़र आ गया और ये कुछ अलग ही तरीके का आप सभी यहाँ दृश्य देखने को मिलेगा इस कैलाश मानसरोवर में। ये देखिए आप सभी को लेकर चलते हैं आगे। ये था आपका कैलाश मानसरोवर दर्शन आप सभी को भी करवाए और अब यहाँ पर है ये बावड़ी जिसमें ये प्राकृतिक जल आप सभी को देखने को मिलेगा और इसमें है ये प्यारी सी मछली भी मुझे दिखाई दी है जैसे कि आप सभी वीडियो गेम में देख सकते हैं। ये देखिए दर्शन यहीं पर ये प्राकृतिक जल की बावड़ी है जहाँ पर ये अंदर छोटी मछलियाँ भी हैं और एक स्पेशली एक बड़ी मछली है अंदर। और ये देखिए दर्शन सामने आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पर इस बावड़ी के अंदर कुछ ऐसा नज़ारा ये देखिए ये बूंद बना है और कुछ भी जो जल
लगातार नीचे टपक रहा है। बहुत ही प्यारा सा ये मंदिर, और कुछ अलग तरीके की आप सभी को यहाँ वाइब देखने को मिलने वाली है, क्योंकि लाइटनिंग की प्रॉपर उस तरह की व्यवस्था मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर है जय माँ अम्बिका, मतलब माता रानी का, यहाँ पर अंदर जो है मंदिर है उनके भी आप सभी को मैं दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पर त्रिशूल आप सभी को देखने को मिलेगा, और लाइटनिंग की व्यवस्था है, बट पता नहीं किस तरफ नहीं हूँ, मैं पंगा भी नहीं लेने वाला। और इसमें है ये त्रिशूल गजगुंड, और साथ में माता रानी के आप सभी को करवाता हूँ दर्शन। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं माता रानी के दर्शन। तो ये है महामाई का, आप सभी को मैं दर्शन करवाता हूँ। तो रुद्र महादेव है, ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर मूर्ति आप सभी को, जब भी आप यहाँ पर आते हैं या इस वीडियो को आप सभी देख रहे हैं, तो आपको मैं माता रानी के दर्शन करवाता हूँ। ये मूर्ति बहुत ही अद्भुत यहाँ पर बनाई गई है इस गुफा के अंदर, जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये यहाँ पर भी प्राकृतिक जल, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर भी लगातार जो है पानी चला हुआ है। ये कुछ और ना, मतलब कहते हैं ना कि यार कि भाई लोग जो ये शेप मिली है इस जगह को, वो कुछ प्राकृतिक तरह से कुछ अलग सी है। तो जय माता, ओम दुर्गाय नमः, 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 ओम दुर्गा मात की जय, मात की जय, दुर्गा माता की जय। तो दुर्गा माता जी की मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं, और अब चलते हैं। जय माता, ओम दुर्गाय नमः, 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 ओम दुर्गाय नमः। तो इसी तरह का ये आप सभी को जो है मुकुट महादेव, ये एक पहाड़ी है और ऊपर आप सभी जो वृक्ष देख सकते हैं, और इसी की जो जड़ें आप सभी को इस गुफा में, जितनी भी गुफाएं हैं उन सभी में आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो गाइज उम्मीद है आप सभी को दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। मैंने वैसे पूरी कोशिश की, लाइट की कमी थी, बट फिर भी ट्राई किया कि आप सभी को अच्छे से दर्शन मैं करवा सकूं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनको ये दर्शन हुए हों, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूँ कि ये लुटरू महादेव मंदिर के बाद करकी में जो है मुटरू महादेव मंदिर है, और ये हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जो भी यहाँ पर आता है वो एक साथ लुटरू महादेव और मुटरू महादेव दोनों के दर्शन कर सकता है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। तो जो भी चैनल पर अभी नया है वो सब्सक्राइब करना ज़रूर इस चैनल को, ताकि आने वाले ऐसे ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे से वीडियोस में आप सभी के बीच में लेकर आता रहूं। ठीक है, तो अब फिलहाल आप सभी के वो इस दर्शन के बाद मैं बस अलविदा कहूंगा आज के इस वीडियो में, और अब आप सभी से मिलेंगे किसी नई लोकेशन पर नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव गाइज़।